क्या कितनी निकालोगे हमारी कमियां, नाचेगा तू जैसे एक शमी। सो वेलकम बैक गाइस, और अगर आप भी ऐसी वीडियो बनाना चाहते हैं जिसमें अगर आप चाहते हैं कि टी सीरीज और प्यूडीपाई की जो बैटल चली है उसको लाइव आप दिखाना चाहते हैं तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ही सिंपल सी ऐप है, तो आज की वीडियो में मैं आपको यही दिखाऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस दबाइए सब्सक्राइब बटन को और क्लिक कीजिए इस बेल आइकन पर ताकि अगली बार जब मैं अपनी नई वीडियो अपलोड करूं तो YouTube करे आपको सेंड नोटिफिकेशन, hey, Weekend Tricks just uploaded a new video. So welcome back guys. तो बहुत ही सिंपल सी ऐप है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए मैं आपको ऐप दिखा देता हूं। ये जो ऐप है, अगर मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रखा है वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसका नाम है PewDiePie vs T Series Live। तो देखिए जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो आपको देखिए ऐप कुछ इस तरह से मिलेगी। अब अगर देखिए पहले मैं इसकी साउंड कम कर लेता हूं। अब अगर इसमें अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो ये देखिए ये है बिल्कुल जो साउंड्स जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब आपको क्या दिखाना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए जैसे कि अगर आप अपने फाइल मैनेजर में जाएंगे तो फाइल मैनेजर के अंदर आपका जो डाउनलोड फोल्डर होता है उसके अंदर जितनी भी MP3 फाइल्स होंगी, जैसे कि आप देख ही सकते हैं यहाँ पर जितनी भी MP3 फाइल्स है आप देख ही सकते हैं, ROH ये वाली फाइल जो है ये भी आपको वहाँ दिख जाएगी। तो आपको मतलब जितनी भी MP3 फाइल्स होंगी वो सारी आपको यहाँ पर दिख जाएगी और आप उसको प्ले कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपने देखा ही होगा कि उस लाइव स्ट्रीम के पीछे एक बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, तो उसके लिए ये ऑप्शन दिया है। तो आप क्या कर सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको बजाना चाहूँ, ये जो कैरी मिनाटिका है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको म्यूजिक के ऊपर क्लिक कर देना है, प्लेइंग स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आप सुनेंगे तो देखिए प्ले स्टार्ट हो चुका है। अगर आप देखेंगे तो ये प्ले होना स्टार्ट हो चुका है। अब आपको स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे आप स्टार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे आपको करना पड़ेगा एक काम, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा YouTube के ऊपर। और देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ऐसा कर सकते हैं आप अपना चैनल सर्च कीजिए, फिर जो आपका चैनल होगा देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, आपको अपना चैनल ओपन करना है। देखिए आप देख ही सकते हैं आपको ऐसे अपना चैनल ओपन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर शेयर के ऊपर क्लिक करना है और आपका जो URL है चैनल URL आपको वो कॉपी कर लेना है। उसके बाद आपको इस ऐप के अंदर दोबारा आना है और यहाँ पर आपका जो अपना URL है वो पेस्ट कर देना है। उसके बाद क्या करना है आपको ये यहाँ से देखिए कट कर देना है। आपको ये जो चैनल ID होती है ना, जो यू से स्टार्ट होती है, मोस्टली यू से ही स्टार्ट होती है, आपको इसको जो कैपिटल यू से स्टार्ट होती है आपको इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है और यहाँ पर ओके कर देना है। अगर आप देखेंगे तो थोड़ी ही देर में आपका जो मतलब यहाँ पर क्या है, PewDiePie और टी सीरीज ऊपर दिखेंगे और ये नीचे दिखेगा आपका अपना चैनल जिसके ऊपर लिखा हुआ है सब्सक्राइब मी प्लीज। तो लाइव स्ट्रीम में आप अपना चैनल भी दिखा सकते हैं। उसके बाद अगर आप नीचे दिखेंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है लाइक फॉर टी सीरीज कमेंट फॉर PewDiePie। अगर आप चाहें तो उसको एडिट भी कर सकते हैं, उसके लिए आपको यहाँ लाइव के ऊपर क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको लिखा देखिए देख के लिखा देता हूँ लाइक फॉर टी सीरीज, अभी यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ, और सब्सक्राइब फॉर इंडिया। तो देखिए आप कुछ भी कर सकते हैं और यहाँ पर आप डन कर सकते हैं। और अगर आप ओके करेंगे तो आप देख ही सकते हैं जो नीचे का टेक्स्ट है वो देखिए खुद ब खुद मतलब ये चेंज हो चुका है। तो इसमें देखिए ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, तो मतलब आप ऐसा ही करके आप इसको लाइव स्ट्रीम को अपने चैनल के ऊपर दिखा सकते हैं। अब देखिए लाइव स्ट्रीम को कैसे दिखाते हैं, अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि लाइव स्ट्रीम को कैसे दिखाते हैं। उसके लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ती है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। प्ले स्टोर पर जाइएगा, यूट्यूब गेमिंग है इसका नाम, आपको इसको ओपन करना है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो देखिए आपको सबसे पहले क्या होगा, आपको लाइव स्ट्रीमिंग के लिए सेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको देखिए ऊपर ये जो बटन है आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको देखिए पूछ रहा है कि आपने क्या करना है, मैंने स्ट्रीम करना है 480p पे, तो देखिए मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। अब यहाँ से आपको नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पर पूछेगा कि कौन सी ऐप है, तो जो ऐप है जो मैंने अभी आपको दिखाई वो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रखा है, वहाँ से आप डाउनलोड कर दीजिए। तो इसका ये जो देखिए लाइव सब्सक्राइब काउंटर यही ऐप वो पहली ऐप ही है, इसका कुछ नाम लाइव सब कॉन्यूटर है। तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप फिर आप जो भी है मतलब अपनी जो स्ट्रीम का जो टाइटल है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, जैसे कि PewDiePie वर्सेस टी सीरीज बैटल लिख दीजिए, उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए। तो जैसे आप नेक्स्ट करेंगे उसके बाद क्या होगा, देखिए बहुत ही सिंपल है, उसके बाद क्या होगा आपकी जो स्ट्रीम होगी वो स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट कर दीजिए, यहाँ पर स्टार्ट नाउ कर दीजिए, और ये क्या करेगा कि खुद ब खुद ही उसे आपको ओपन कर देगा। उसके बाद कुछ नहीं, आपको यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक सेलेक्ट कर देना है, इसके म्यूजिक के ऊपर क्लिक करना है, ये प्ले होना स्टार्ट हो चुका है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें। मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।